अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की ये वीडियो सोल डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड है कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिकली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इससे पहले मैं एक सोल प्रोप्राइटर पर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको सोल प्रोप्राइटर का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप सोल डिस्ट्रीब्यूटर को भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े मिलते जुलते से टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। इसके साथ साथ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम आज का लेसन स्टार्ट करें, अगर आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में, या फिर अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उसका लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोल डिस्ट्रीब्यूटर टू वर्ड से बनता है, सोल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सोल का मतलब होता है सिंगल, सिर्फ एक बंदा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आगे चीज़ को तकसीम कर रहा है, किसी चीज़ को आगे पास कर रहा है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसका मतलब है कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी या कोई ऐसा फर्द या ऐसा बंदा जो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पर गौर करें तो इसका मतलब होता है कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग होते हैं जो एक कंपनी की प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट रखते हैं। अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट का वर्ड यूज हुआ है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एंटिटी को ये राइट दे दिया जाता है कि उसने एक स्पेसिफिक कंपनी की या एक ब्रांड को एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके अलावा ये राइट किसी और के पास नहीं है कि वो उस एरिया में जाकर उनकी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो आई होप कि यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सोल डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनके पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट होता है कि वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, इंडस्ट्री में या फिर मार्केट सेगमेंट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। और इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? कंपनी को ये फ़ायदा हो जाता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में कंट्रोल भी कर सकती हैं और कंपेटिटर से अलग भी रख सकती हैं। अपनी प्रोडक्ट में वो इतनी यूनिकनेस लेकर आती हैं कि कस्टमर्स की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाती हैं, और इस तरह से कॉम्पिटिशन्स भी लो होता है। और जब कंपटीशन लो होगा तो उससे सेल्स इंक्रीज करेंगी, सेल्स इंक्रीज करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, और इस तरह से कंपनीज जो हैं वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर को उनका कमीशन देती हैं, उनको उनका हिस्से का प्रॉफिट देती हैं। तो ये सर्कल इस तरह से चलता है। यहाँ तक सोल डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट था। अब आगे मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। अगर आपके माइंड में सोल डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इसी डेफिनेशन में से ही बेसिकली इसके बेनिफिट्स को ड्राइव किया गया है। तो चलें फिर इसके बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहला इसका बेनिफिट है एक्सक्लूसिव मार्केट एक्सेस। इसका मतलब है कि जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है उसको, क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट होता है एक स्पेसिफिक एरिया में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, इससे उनको क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सिर्फ वो ही, उन्हीं के पास राइट है कि वो उस एरिया में चीज़ों को सेल करेंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, मार्केट को कैप्चर करते हैं और मजीद किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आने से रोकते हैं। सेकेंड इसका बेनिफिट होता है रिड्यूस्ड कॉम्पिटिशन। जब एक्सक्लूसिव राइट ही एक बंदे के पास है तो फिर अदर पर्सन तो कोई एंटर हो ही नहीं सकता एक मार्केट में या एक इंडस्ट्री में। तो इस तरह से इनको क्या बेनिफिट होता है कि ये बिजनेस को कैप्चर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को अपनी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज हायर प्रॉफिट। तो जब कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा या बहुत ही मिनिमम सा कॉम्पिटिशन होगा तो उससे सोल डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बेनिफिट होगा कि वो अपनी मर्जी से प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, प्रॉफिट अपना इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी बार्गेनिंग पावर हाई होती है और सबको इस चीज़ का आइडिया होता है पूरी इंडस्ट्री में या मार्केट में कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ यही हैं और हमें इन्हीं से ही प्रोडक्ट मिलेंगी। तो इसीलिए सब उनकी मर्जी के मुताबिक उनसे चीज़ें परचेस करते हैं, और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली बेनिफिट उस कंपनी को होता है जिसने उस सोल डिस्ट्रीब्यूटर को हायर किया है। नेक्स्ट बेनिफिट है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कंपनी। क्योंकि एक कंपनी या एक ब्रांड ने एक ही पर्सन को हायर किया है कि वो उनकी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इस वजह से उस कंपनी का फुल कॉन्सेंट्रेशन होता है सोल डिस्ट्रीब्यूटर पर। उसको देखती है कि कहाँ पर उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई रिसोर्सेज चाहिए, तो वो कंपनी उस सोल डिस्ट्रीब्यूटर की हर पॉइंट पर सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, उनको रिसोर्सेज देती है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कंपनी को एक, क्योंकि कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। और वो मेंटेन किस तरह से करती है इस नेटवर्क को, वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसकी प्राइस को या फिर उसकी ब्रांडिंग को मॉनिटर भी करती है साथ साथ और मैनेज भी करती है। तो इससे क्या होता है कि उनको अल्टीमेटली बेनिफिट होता है, वो अपने नेटवर्क को मेंटेन रख सकती है।
क्योंकि कंपनी सोल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन टच रहती हैं और सोल डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ कंज्यूमर के साथ इन टच है, तो वो वहां से फीडबैक लेते रहते हैं कस्टमर्स का और कंपनीज को देते रहते हैं फीडबैक, ठीक है। और इस तरह से कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट लाती रहती हैं, उसको कैसे मैनेज करना है ये भी आइडिया उनको होता है, तो इस तरह से इनका रिलेशनशिप भी बिल्डअप होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है मार्केट इनसाइट। इसका मतलब है कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर एक स्पेसिफिक मार्केट में एक्टिव होता है, वो उस स्पेसिफिक एरिया की जो डिमांड है, ट्रेंड है या प्रेफरेंसेस है उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है और साथ साथ वो कंपनीज को बताता है, और इस तरह से प्रोडक्ट में चेंजिंग भी अगर लानी होती है तो वो इस तरह से लाई जाती है। और इसका लास्ट बेनिफिट है फोकस एंड स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब है कि सोल डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर काम करते हैं, उनको पता है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट को हमने एक मार्केट तक पहुंचाना है और कस्टमर्स के फीडबैक लेने हैं, उनके ट्रेंड के अकॉर्डिंग चीज़ें उनको देनी है, तो फिर इस तरह से क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ पर उनका फोकस रहता है तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उस चीज़ में या अपनी फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो ये तमाम बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनी एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करती हैं, जिसकी वजह से सोल डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेनिफिट होते हैं और कंपनीज को भी होते हैं। सोल डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट किस तरह होता है कि वो चीज़ों को जितना ज़्यादा सेल करेंगे, जितना ज़्यादा कस्टमर को अंडरस्टैंड करके उन तक वो चीज़ें पहुँचाएंगे, उतनी ही उनकी सेल्स इंक्रीज होंगी। और कंपनी को इसका क्या बेनिफिट है कि कंपनी एक तरह से डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ ही इन टच है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो उसके मुताबिक चीज़ें बनाती है, कस्टमर को लॉयल कर रही है अपने साथ साथ और अपने ब्रांड की, अपने बिजनेस की प्रमोशन कर रही है। व्यूअर्स, ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट था, ये डेफिनेशन थी, बेनिफिट्स थे उसके, और आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।